यो मेरे जी लोग कैसे आप सभी। मेरा नाम है राहुल चार और आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो वैसे आज की वीडियो का टॉपिक है गाइस, जो कल मैंने माइक का बताया था, माइक लेके आऊंगा मैं। तो वैसे वो मेरा माइक आ चुका है, मैंने रिव्यू उसकी दे दी है और इसकी मैं आपको एक छोटी सी अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू दूंगा और इसका साउंड क्वालिटी भी चेक कराऊंगा आपको साउंड बोल के। और हाँ, इस बार गाइस इसको ना एकदम प्रोफेशनल तरीके से अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी एकदम प्रोफेशनल लगेगा आपको, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो दोस्तों, ये है इसका बॉक्स। ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है और पैकिंग भी अच्छी कर रखी है। चलो इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इसको ओपन करता हूँ मैं जल्दी जल्दी और देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर ये बॉक्स निकल रहा है और ये बॉक्स बोया का YM1 माइक का है। बॉक्स काफ़ी अच्छा है, बोया YM1, और ये इसकी प्रिंटिंग भी अच्छी है इसकी, इसका लोगो भी अच्छा है और ये इसके फ़ीचर्स और स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं इस पर, और स्कैन बार कोड इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस। इस पर इलेक्ट्रिक कंडेंसर और ये सब चीज़ पढ़ लेना आप, ठीक है, जब मंगाएं आप। ये DSLR कैमरा है, ये DSLR कैमरा का माइक है। और इसके ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये प्लास्टिक कैसे ऐसे पैक हुआ है इसमें, ये अच्छी पैकिंग में है, पैकिंग इसकी अच्छी है। ये निकालते हैं, इसके बॉक्स कंटेंट तो कुछ नहीं है, बचे हैं तो सब कुछ निकल गया। ये बॉक्स है इसका और इस बॉक्स में क्या है, कुछ नहीं रहा इसमें, कुछ नहीं है। और ये यूज़र मैनुअल जो कि बहुत ही पतली है, 8-10 पेज की पढ़ लेना आप। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, इसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, ठीक है। ये माइक मोबाइल और DSLR कैमरा दोनों में अटैच हो जाएगा, वो आपको दिखाया गया है इस बुक में कि कैसे अटैच होगा। इसमें सेल डलेगा, इसके साथ सेल आएंगे और दिखाते हैं अभी आगे और, ठीक है। ये इसका वो है, बैग है, बैग काफ़ी हैवी है। ये वारंटी कार्ड है, ये इसे वारंटी फिल करके साइन करके रख देना। ये बोया का बैग है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर कुछ निकालते हैं, इसके अंदर है मेन आइटम अपने, ठीक है। ये काफ़ी हैवी बैग है, अच्छा बैग है, मजबूत है, लेदर का है, लेदर बैग है, अच्छा है। मेरे को तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत गुड है। ये माइक है, ये माइक भी काफ़ी हैवी और बहुत यानी 20 फीट का इसका वायर है, बहुत ही लंबा है। और ये सिलिका जेल, ये सिलिका जेल है। और ये कुछ इसके आइटम्स हैं, इसको बाद में दिखाएंगे, पहले इसको दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये कंडेंसर है, ये आपकी आवाज़ नॉइज़ कैंसिलेशन को वेरिफिकेशन करके भेजता है। चलो इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकला है। और सबसे पहले ये सेल है, और ये दो सेल इसमें यानी ऐसा हुआ है इसमें दो सेल आ गए हैं गलती से यार। और इसमें वो लेवल क्लिप नहीं होती है जो कॉलर फिट करने की, वो नहीं आई है। ये पता नहीं क्या है, ये कुछ पता नहीं, इसका कनेक्ट पता नहीं है मेरे को। ये इसके ऊपर रबड़ लगती है, इससे नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा आता है। इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट होता है। बस भाई इसमें एक दिक्कत होगी यार, इसमें वो नहीं आया जो माइक के नीचे लगाते हैं ना, क्लिप होती है कॉलर पर लगाने के लिए, इसमें वो नहीं आई। उसकी वजह मेरे अंदाज से इसकी क्लिप की जगह इन्होंने एक सेल गलती से डाल दिया है, या पता नहीं दो सेल आते हो तो पता नहीं, बट मेरे को तो यही लग रहा भाई कि इसमें क्लिप नहीं आई ये है। तो बस ये है माइक, तो भाई काफ़ी मेरे को अच्छा लगा पर्सनली और गुड है यार, अच्छा है। दोस्तों भी बताना, जो मैंने अभी अनबॉक्सिंग की थी वो आपको कैसी लगी थी, आपके मैंने प्रोफेशनल तरीके से अनबॉक्सिंग की थी और उस माइक में थोड़ी दिक्कत थी, वो दिक्कत मैं आपको बात बताऊँ। पहले मैं आपको इसकी जो आवाज़ साउंड आ रहा है वो तो मेरी माइक से आ रहा है, जो मोबाइल का माइक है। और अब जो ऑडियो क्वालिटी मैं दूंगा वो आएगी वो आके YM1 से माइक से आवाज़, ठीक है। तो दोस्तों जो अभी आप साउंड सुन रहे हो वो बोया के YM1 माइक से आ रहा है। और इसमें दिक्कत क्या हुई थी मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें दिक्कत ये है गाइस, इसमें जो क्लिप आती है ना जो कॉलर पर लगाने वाली क्लिप, गाइस इसमें क्लिप नहीं आई है, इसमें दो सेल आ गए हैं। तो मैं जब तो बहुत डर गया था मैं, फालतू यार ये ख़राब निकल गया वो तो इस पर मेरे को माइक से अटैच करना भी आया था फ़ोन से, तो मैंने इसको रिटर्न करने की वो कर दिया था ऑर्डर के, मुझे रिटर्न करना है। और उसके बाद अब मैं समझ नहीं आ रहा, काम तो कर रहा है अच्छे से। और आपको उसी ऑडियो क्वालिटी बताना कैसी लगी आपको, ऑडियो क्वालिटी जो पहले सुनाई थी उससे बेहतर है या नॉर्मल है तो बताना। मेन चीज़ अगर आपको अगर ये माइक लेना है तो मैंने भाई ये मुझे समथिंग ये 854 रुपये का पड़ा था ऑनलाइन, जो कि मैंने थोड़ा कुछ ऑफर यानी कुछ ऑफर लगाए थे उसके बाद पड़ा था, वैसे 1000 के समथिंग है। पर मेरी बात माने, अगर आपके पास DSLR कैमरा, अगर आप DSLR कैमरा से शूट करते हो तो वो या भाई
M1 आपके लिए बेस्ट चॉइस है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाय लिंक। अगर आप एक मोबाइल से अगर वीडियो शूट करते हैं तो आप इसे ना लें, मैं खुद लेकर कहूँगी इसका कोई यूज़ नहीं है। तो 200 रुपये का या 150 रुपये का माइक आएगा, उससे भी काम हो जाएगा फ़ोन के लिए तो, और इससे भी काम हो जाएगा। तो आप फालतू में 1000-1200 रुपये डालें, उससे बढ़िया आप कोई 100-150 रुपये वाला माइक ले आएँ, वो आपके लिए बेहतर काम करेगा। मेन चीज़ मैंने ये क्यों ऑर्डर किया, क्योंकि भाई मुझे अभी ये DSLR में शिफ्ट हो रहा है, कुछ टाइम बाद मेरी थोड़ी क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा अच्छे से, और सब्सक्राइबर्स थोड़े हाई हो जाएंगे, उसको मैं DSLR परचेज करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो मेरे पे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और सपोर्ट कर देना अपने भाई को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लेट्स गो।